केसीसी बैंक के पूर्व चेयरमैन जगदीश सिपाहिया ने आरोप लगाया कि आगामी निदेशक मंडल के चुनाव में प्रदेश भाजपा सरकार मतदाता सचिवों को डरा धमका रही है। सिपाहिया ने कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक हताश होकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सचिवों को अपनी ओर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे भवारना जोन से मंडल के निदेशक का चुनाव लड़ रहे हैं तथा अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, लोकतंत्र में दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। गाज गिरा दी है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि यूं ही चुनाव होने के बाद हमने इन्होंने इलेक्शन तक रोक के रखी है, तो सोसाइटी के सेक्टर को गुमराह कर रहे हैं कि हम इसको वापस ले लेंगे। आपने तो नोटिफिकेशन की है विधानसभा में, वापस ऐसे कैसे लेंगे? वापस हम करवाएंगे, हम प्रेशराइज करेंगे कि लोकतंत्र के ये हत्या है, सोसाइटी के गरीब लोगों के साथ ये अन्याय है, इसके विरोध में हम लोग संगठन पूरा मिल करके इसका विरोध करेंगे, इसको वापस करेंगे ताकि सोसाइटी जिंदा रहे, सहकारिता जिंदी रहे। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार हफ्ते साथ ले करें, इससे हर वर्ग को फायदा हो, जाने और धमकाने से सरकार ने ज़्यादा देर भी बनती ना बोल। मैं पुनः आपका बड़ा आभारी, लेकिन मेरी अपील रहेगी कि सर आपने अपने सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने कर्मचारियों को ये कहें कि वो निष्पक्ष काम करें, और सरकार से भी कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से अपने अध्यक्ष महोदय और विधायक को डायरेक्शन दें कि आप लोकतंत्र को जिंदा रखें और ग्रामीण लोगों को लोगों को अपनी मर्जी से मत देने में उच्च दर्ज करने में उनके साथ